हाय गाइस, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अकेडमी जे, दिस इज अनुपम सर। अमीन्स चैप्टर हम यहां पर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की। बहुत सारी रिएक्शन आज हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस हैं सारी। वी आर गोइंग टू लुक एट हॉफमैन गैब्रियल सिंथेसिस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, लॉसन, कर्ट, यश, स्मिथ, ये सारी रिएक्शन की हम बात करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू, जल्दी से कुछ शेयर कर दो, नहीं कराए तो। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जैसा कि आपको पता है, दिस इज अबाउट मी एंड ये आपकी कंप्लीट अनअकैडमी जेई की टीम है। हमारे सारे लेक्चर्स आप livedaily.me/jee इस वीडियो बुक पे जाके देख सकते हैं। आपको अपने ब्राउजर के अंदर ही डालना है और एक अमेजिंग वीडियो बुक आपके सामने खुल जाएगी। उसी के साथ सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमारे साथ आगे पढ़ते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स लाइव क्लास एनवायरनमेंट में जब पढ़ाते हैं, आपको जो है वहां पर सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड साथ ही बच्चों, आपको यहां पर रेगुलरली इंटरेक्शन के साथ साथ टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सब भी मिलता है। और ये सभी चीजें जो है आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको जो है टॉप अनअकैडमी जेई की टीम, कोटा की फैकल्टीज, टॉप ऑथर्स ऑफ इंडिया, ये सभी पढ़ा रहे हैं। एंड यहाँ पर रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स का वो भी बहुत बढ़िया से जो है आ रहा है। तो इन सभी स्टूडेंट्स की तरह आप भी अपना जो है टॉप रैंक लगाना चाहते हैं, एक से दो साल का सब्सक्रिप्शन लेके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज दिस कोड अनुपम लाइव बाय टेकिंग सब्सक्रिप्शन, बिकॉज से आपको वहां पर डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में मुझे पता लगेगा ये सारे लेक्चर्स आपके लिए कितने हेल्पफुल है और आपको यहाँ पर जो है इतना मजा आ रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर अमीन्स की बात हमने कर रहे थे, मैंने आपको बोला था आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। नोमेनक्लेचर इसका ऑलरेडी कवर्ड है, कहां पर आयुपैक नोमेनक्लेचर मैंने अलग से करा रखा है, सो पूरा नोमेनक्लेचर हमने देख रखा है। हम आज जो है बात करेंगे मेनली प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की। और अमीन्स में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सबसे बेसिक रिएक्शन अपने पास जो आती है वो है बच्चों हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ये जो रिएक्शन है एक सिंपल सी रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म वाली। इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर हम अमोनिया और एक एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है और अमोनिया है, तो आपको पता है कि जो अमोनिया होता है बच्चों, है ना, नाइट्रोजन, SP3 हाइब्रिड नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल्स। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास अगर SP3 हाइब्रिड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप वहां पर SN2 रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, SN2 रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास यहां पर ये अमोनिया है, रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में फाइनली अपने पास RNH2+HX ये हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन को हम अगर स्पेसिफिक तरीके से देखें, सपोज अपने पास यहां पर मिथाइल क्लोराइड है और मिथाइल क्लोराइड के साथ हमने यहां पर अमोनिया रखा, इससे बच्चों हमें क्या मिलेगा, यहां पर इससे मिथनमाइन ये हमें मिल जाएगा एंड अलोंग विद दैट HX ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है। रिएक्शन का रीजन क्या है वो भी मैंने तुम्हें समझाया कि जो अमोनिया है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और जो हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है इसके अंदर जो अपने पास Cl होता है या X होता है वो क्या काम करता है, X अपने पास अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये अपने पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो सिंपल सा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या, ये जो अमोनिया के लोन पेयर है इस कार्बन की साइड आएंगे और यहां पर Cl को हटाएंगे, इससे CH3NH2 आपका बनेगा। इंटरमीडिएट में आपकी क्या क्या क्रिएट होगा, इंटरमीडिएट में आप बोल सकते हो कि आपको पहले ये मिलेगा NH3+ Cl-। अब क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन पे तीन से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं जो वो जनरली प्रिफर नहीं करता हाइड्रोजन के साथ हो, तो अपने पास ये हाइड्रोजन और ये Cl- को हम जो है अलग हटवा के HCl के फॉर्म में दिखा देंगे। ठीक है, बेसिक SN2 मैकेनिज्म हमारे पास यहां पर हो रहा है। अब अगर हम यहां पर ये देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या मेन पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, ये रिएक्शन जो है तो बहुत सिंपल सा SN2 रिएक्शन, बट ये रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहां पर समझने हैं और वो इस रिएक्शन के ड्रॉबैक्स भी हैं या फिर आप बोल सकते हो कि उसका एडवांटेज भी है कि यार ये रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक तरीके से हमें काम में लेनी होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां पर अमोनोलाइसिस रिएक्शन की, तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो मेनली हमारे पास आरएक्स है, ठीक है, आरएक्स जो हम लेके चल रहे हैं वो या तो मिथाइल या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास बेस्ट तरीके से काम में आते हैं, अच्छी यील्ड देते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो आरएक्स है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, आरएक्स हमारे पास जैसे हमने लिखा CH3X हो सकता है या CCX हो सकता है, ठीक है, या इस तरीके से हमारे पास हो सकता है ना। अल्टीमेटली हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, बिकॉज हमें पता है कि यार SN2 मैकेनिज्म बेस्ट यील्ड कब देता है, SN2 मैकेनिज्म बेस्ट यील्ड जो है वो प्राइमरी ग्रुप्स के साथ देता है, प्राइमरी कार्बन के साथ देता है, जहां पर आपके पास SN2 सबसे फास्ट हो सकता है, सबसे आसानी से हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहां पर हमें ध्यान देना है कि यार ये रिएक्शन बेस्ट, ठीक है, बेस्ट हमारे पास कब काम करेगी, जब होगा अगर हमारे पास 2 डिग्री हैलाइड हो तो रिएक्शन थोड़ी लिमिटेड वे में काम में ली जा सकती है, इतना बढ़िया हमें यील्ड नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए वो है बच्चों आपके पास कि यार ये रिएक्शन जब होती है उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आता है पॉली एल्काइलेशन का। पॉली एल्काइलेशन ये वही वर्ड है जो कि हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के टाइम पे भी यूज करते हैं, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अगर आपको याद हो उसकी एक लिमिटेशन बोली जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की एक लिमिटेशन जो है हमारे पास वो है पॉली एल्काइलेशन। क्या मतलब है इसका पॉली एल्काइलेशन का, इसको हम देखते हैं। सो अगर हम यहां पर ये देख रहे हैं, सपोज वी हैव CH3Cl, ठीक है, प्लस NH3, है ना, ये हमने लिया, और ये जब हमने लिया तो हमारे पास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, CH3NH2 प्लस HCl, ठीक है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, ठीक है, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्यों, बिकॉज ये जब हमारे पास बनता है, दिस कंपाउंड कैन फर्दर एल्काइलेट। इसका मतलब यहां पर अगर मैं इसको फर्स्ट स्टेप बोल रहा हूं तो ये जो है मेरे पास वापस से सेकंड स्टेप के अंदर एक और बार क्या हो सकता है, एल्काइलेट हो सकता है। कैसे एल्काइलेट होगा, यहां पर वापस से आपका CCl है, ये NH2 जो है हमारे पास ये आपका वापस से यहां पर अटैक करके आपको इस तरीके से एक और सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है। अब जब ये सब्स्टिट्यूशन होगा तो देखो अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है, क्या कहानियां खत्म हो जाती है, नहीं, वापस से ये जो हमारे पास बना है ये एक और स्टेप के अंदर एल्काइलेशन शो कर सकता है, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक और अगर आप यहां पर स्टेप कराओगे थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में वापस से आपका CCl आप यूज कर रहे हो, ये NH2 यहां पर अटैक करेगा और इसको निकालेगा, इससे आपके पास टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जो था, मतलब एल्काइल हैलाइड जो था उससे 3 डिग्री अमीन यहां पर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी एक ही रिएक्शन मिक्सचर में होती रहेंगी, ये रिएक्शन जो है वो एक ही रिएक्शन मिक्सचर में होती रहेंगी। इसकी वजह से जब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी अ मिक्सचर ऑफ दिस 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 दिस, ये जो हमारे पास हम सामने प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनका मिक्सचर आपको मिलने वाला है, और हम बोलेंगे कि यार ये पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। एक से ज्यादा स्टेप्स अगर आपके पास हो रहे हैं तो क्या है, वो पॉली एल्काइलेशन वहां पर हो रहा है। तो ये जो पॉली एल्काइलेशन है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या ये यहां पर खत्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर हमें यहां पर एक और आरएक्स मिल जाए, है ना, इसका मतलब अगर हमारे पास ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन फर्दर एक और प्रोडक्ट हमें दे सकती है, और यहां पर ये जो सी है इस पे अटैक करके देखो क्या दे देगा अपने को, एन सी 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 प्लस एंड सी एल माइनस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चों यहां पर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है।
क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाएगा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट हमारे भी प्रिपेयर हो जाते हैं अगर हम हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कराते हैं तो। ठीक है, अगर हम देखें यहां पर ये रिएक्शन में आपको फाइनल प्रोडक्ट इसका मिक्सचर मिल सकता है, एंड दैट्स व्हाई ये रिएक्शन हमारे पास जब हम यूज करेंगे तो इस रिएक्शन को यूज करने के हमारे दो तरीके हो जाते हैं। अगर इस रिएक्शन से हमें अच्छा यील्ड निकालना है प्रोडक्ट का तो इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम इसको 1 डिग्री अमीन्स के लिए यूज करेंगे या फिर हम इसको क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब या तो आप इससे ये जो अपना प्रोडक्ट है इसका अच्छा यील्ड निकलवा सकते हो या फिर इसका अच्छा यील्ड निकलवा सकते हो, पर उसको निकलवाने के लिए हमें कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे कि कंडीशंस का यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास आप क्या चीज एक्सेस में लेके चल रहे हो। जैसे अगर मैं यहां पर CCl को एक्सेस में लेके चलता हूं, ठीक है, अगर देखो मैं इसको एक्सेस में लेके चलता हूं, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट निकलेगा। ठीक है, तब हमारे पास क्या निकलेगा? मेजर प्रोडक्ट क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट निकलेगा। इसका मतलब ये जो मैंने तुम्हें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चारों स्टेप्स जो हैं ये हो पाएंगे बिकॉज हमने ये एक्सेस में ले रखा है। इन चार स्टेप्स के होने के लिए हमें ये एक्सेस में चाहिए। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल 4 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो अपने को क्या मिलेगा? 4 एल्काइल हैलाइड के मोल से रिएक्ट करेगा तो अपने को क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। तो अगर हम यहां पर इसको एक्सेस में लेके चल रहे हैं, इसका यही मतलब है कि यार यहां पर जो रेशो है उसमें एल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएंगे? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है वाली बात? तो यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? यहां पर तुम्हारे पास फाइनल प्रोडक्ट विल बी क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, या फिर इस रिएक्शन को अगर एक जनरल वे में लिखा जाए तो जनरल वे में ये हो जाएगा कि RCl अगर मैंने यहां पर एक्सेस में लिया है विद अमोनिया, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर? यहां पर हमें ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट इस तरीके से मिल जाएगा एंड ई हमारे पास हम प्रोडक्ट लिख देंगे। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हम इसे 1 डिग्री अमीन्स भी बना सकते हैं। 1 डिग्री अमीन्स को अच्छी यील्ड में लाने के लिए हमें यहां पर रिएक्शन कंडीशन को उल्टा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर इसको एक्सेस में मत लो, इसकी जगह इसको एक्सेस में ले लो, तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा है ना, तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? वो आपके पास सिर्फ फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का होके रह जाएगा बिकॉज आपने अमोनिया एक्सेस में ले रखा है, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप वहां पर होके रह जाएगा। And that's why final product के अंदर हमें क्या मिलेगा? ये जो CNH2 है ये हमें maximum मिलेगा। ठीक है, ये हमें maximum मिलेगा यहां पर इस केस में, ये हमें maximum मिलेगा है ना। maximum मतलब कि अपने पास maximum percentage में कौन सा product हमें मिल रहा है, तो ऊपर वाले केस में ये हमें मिलेगा, अगर हमने अमोनिया ले लिया तो हमें ये maximum amount मिलेगा। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि क्या रिएक्शन कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, हमें ध्यान देना है क्या रिएक्शन कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनवाना है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो है आपका उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है जी, तो ये बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। तो बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, ज्यादा कोई स्ट्रेस लेना नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा अपने पास ये रिएक्शन जो है निकल के आ जाती है। ठीक है, अच्छा यहां पर अपने पास हॉफमैन जो रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है, उसमें फर्दर ये पर्टिकुलरली हॉफमैन अमोनोलाइसिस इसलिए बोला जाता है बिकॉज आगे जाके हम देखेंगे एक हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है। तो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनवाने के लिए, ठीक है, हम हॉफमैन अमोनोलाइसिस का यूज करते हैं। बहुत ही बेसिक से SN2 की रिएक्शन।
तो ये अपने पास एक अमीन्स या फिर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने का तरीका हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है यहां पर, नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या अपने पास, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल आपके पास साइंटिस्ट का नाम है, थैलेमाइड आपके पास एक कंपाउंड का नाम है जो कि इस रिएक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमारे पास थैलेमाइड कंपाउंड यूज आता है। थैलेमाइड कंपाउंड क्या होता है ध्यान से देख लो, दिस इज योर थैलेमाइड। ठीक है, थैलेमाइड हमारे पास क्या होता है, देखो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, फिर नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, फिर अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ है, और फिर ये है, ये कंपाउंड जो होता है इसका नाम मैंने पहले भी बताया था, जब हम क्या कर रहे थे, जब हम अमाइड के साथ इमाइड पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने आपको इमाइड बताया था बच्चों कि ये एक इमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप होता है इमाइड, ध्यान से सुनो, ये जो अपने पास ग्रुप है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एन सी डबल बॉन्ड ओ, ये अपना इमाइड ग्रुप है। ठीक है, और ये अमाइड ग्रुप किससे बना हुआ है, ये इमाइड ग्रुप बना हुआ है थैलिक एसिड से। ठीक है, थैलिक एसिड कौन सा होता है, थैलिक एसिड जो होता है हमारे पास वो होता है बच्चों ये वाला। ठीक है, ये जो कंपाउंड है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में देखा है, दिस इज थैलिक एसिड। अब ये जो हमारे पास थैलिक एसिड होता है, अगर इसको किसके साथ हीट किया जाए, अगर इसको अमोनिया के साथ हीट किया जाए, ठीक है, तो हमें यहां पर ये इमाइड ग्रुप जो है वो मिल जाता है। इसका मतलब हमारे पास थैलेमाइड कंपाउंड जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया हीट करने पर हमने अमाइड ग्रुप बनता हुआ देखा है, और अमाइड से इमाइड ग्रुप हमने बनता हुआ देखा है। ये रिएक्शन हमने एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर देखिए, तो पर्टिकुलरली थैलेमाइड कंपाउंड का यूज करना पड़ता है हमें यहां पर टू क्रिएट अमीन्स इन द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू अंडरस्टैंड। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूं। इस रिएक्शन के अंदर है ना, ये जो बच्चों हमारे पास रिएक्शन है, इसके अंदर हमारे पास जो कंपाउंड बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही बन सकती है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ओनली प्राइमरी अमीन्स कैन बी मेड। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स का मतलब कि वन डिग्री अमीन्स है ना, जो पिछले वाले केस में हमारे लिए बनाना मुश्किल था, हॉफमैन अमोनोलाइसिस के केस में हमने लिखा कि यार वो वन डिग्री अमीन्स तभी बनेंगे जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या लेके चलें, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया लेके चलें तो ही होगा, है ना। ये वाला जो केस है गैब्रियल थैलेमाइड, इसके अंदर आपके पास सिर्फ वन डिग्री अमीन ही बनेगी, ये इस रिएक्शन की खास बात है। ठीक है, कैसे हुआ यहां पर ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो थैलेमाइड होता है बच्चों, इसको सबसे पहले हम यूज करते हैं विद अ बेस। ठीक है, इसके ऊपर क्या डाला जाता है, बेस डाला जाता है, जैसे आपके वेज डाल दो या एनी वेज डाल दो। अब जो इमाइड्स होते हैं उसकी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जो इमाइड्स होते हैं ये आपके पास एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप QH डालते हो, यहां पर ये एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं, उसके बाद हम यहां पर RX टाइप का कंपाउंड डालते हैं, RX कंपाउंड इसका मतलब कोई एल्काइल चेन, एंड उसके ऊपर एक अच्छा लीविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, ये हम डालते हैं, और उसके बाद हम यहां पर या तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोजीन के साथ हीट करा सकते हैं। ये तीन स्टेप्स हमें कराने पड़ते हैं, ये तीन स्टेप्स जब थैलेमाइड पे कराए जाएंगे, इससे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा
वो होगा RNH2 प्लस योर, है ना, ये RNH2 हमें मिल जाएगा। एंड डिपेंडिंग ऑन कि हमने बेसिक हाइड्रोलिसिस कराया है या हाइड्रोजन के साथ हीट कराया है, हमें एक सेकेंड कंपाउंड भी मिलेगा। दोनों को हम अब इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि क्या यहां पर रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ठीक है, सो यहां पर अगर मैकेनिज्म की बात करी जाए तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि यार ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का होता है, ये हमने पहले पढ़ा था, एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करने पर एसिड बेस मैकेनिज्म शो करता है। कहां पर शो करेगा, तुम्हें नजर भी आ रहा होगा यार मैंने इस हाइड्रोजन को तुम्हें अलग से दिखा रखा है, और ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, कॉन्जुगेट बेस को देख लेते हैं। कभी भी किसी कंपाउंड में अगर पूछा जाए कि यार कौन सी वाली हाइड्रोजन एसिडिक है या कौन सी वाली हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो एक ही फंडा होता है, कॉन्जुगेट बेस बना दो आप वहां पर। अगर मैं यहां पर इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या यहां पर OH माइनस आया, इसने यहां पर अटैक करा, ये यहां पर गया, दिस गिव्स यू एन एमाइड, ठीक है, एमाइड का आयन, ठीक है, ये हमें यहां पर मिला। नाउ यू कैन सी कि नाइट्रोजन पे जो हमारे पास लोन पेयर आया इस केस में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, क्या होगा यहां पर, ये जो है ये अपने पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है। कहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये इस साइड भी जा सकता है या इस साइड भी जा सकता है, दैट्स व्हाई अपने पास वो हाइड्रोजन क्या है, अपने पास यहां पर एसिडिक है। अब क्योंकि अपने पास ये एनायन क्रिएट हो सकता है, तो वो जो नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी एक अच्छा इसका काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का। अगर आपने वहां पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया तो वो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इसलिए अगर हम यहां पर नेक्स्ट स्टेप में आरएक्स डालते हैं, ठीक है, आरएक्स का क्या मतलब है, आरएक्स का मतलब है कि यार कोई भी आपकी कार्बन की चेन है ना, जिसके ऊपर कोई आपके पास अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हो, अच्छा लीविंग ग्रुप लगा होना, ठीक है, यहां पर ये जरूरी है। और अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो बच्चों जो अच्छा लीविंग ग्रुप है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इनमें कौन सी वाली रिएक्शन हमें करानी होती है, वापस से SN2 की हम बात कर दें, जो हॉफमैन में हमने देखी थी, हॉफमैन अमोलाइसिस में देखा था, वही SN2 मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना कि यार ये रिएक्शन भी आपकी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही होती है, ये जो स्टेप है SN2 मैकेनिज्म का है, बिकॉज इसके ऊपर अपना क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अपने आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे अगर आपको सपोज ऐसा कोई सबस्ट्रेट दे दें जिस पे SN2 ही नहीं हो सकता, तो फिर वहां पर हॉफमैन रिएक्शन नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं आपको क्लोरोबेंजीन दे दूं, हमें पता है बच्चों क्लोरोबेंजीन के ऊपर है ना, क्लोरोबेंजीन के ऊपर SN2 मैकेनिज्म नहीं काम करता, isn't it? तो क्लोरोबेंजीन अगर आपको दे दिया तो आप यहां पर नहीं करवा सकते रिएक्शन। या 3° हैलाइड आपको दे दिया, 3° हैलाइड में क्या SN2 होता है, नहीं होता। तो हमें ध्यान रखना है कि यहां पर SN2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, और SN2 मैकेनिज्म जो है अगर नहीं हो सकता सबस्ट्रेट पे तो आप ये रिएक्शन नहीं करागे। SN2 मैकेनिज्म हो सकता है यहां पर तो ही होगा, नहीं हो सकता सबस्ट्रेट के ऊपर SN2 तो नहीं कराएंगे रिएक्शन। खैर, तो हमने ये मान के चला है कि ये जो है अपने पास सपोज प्राइमरी एमीन की तरह है, सॉरी प्राइमरी हैलाइड है, तो अपने पास यहां पर SN2 हो सकता है। अगर यहां पर SN2 हो सकता है तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर बच्चों आपके पास ये जो N है वो इस कार्बन पे अटैक करके X को निकाल देगा, isn't it? And that's why हमारे पास यहां पर एक नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्रिएट होगा, विच इज गोइंग टू बी बेंजीन सी डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन R, सी डबल बॉन्ड O एंड दिस। एंड अब आप जानते हैं कि यार ये जो चीज बन गई है, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो इमाइड्स के हाइड्रोलिसिस पे अमीन्स बन जाते हैं, ठीक है, या अमोनिया बन जाता है, ये रिएक्शन बहुत आराम से हो सकती है। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ये बनवा देंगे, ये कहां बन जाएगा, इस सेकेंड स्टेप तक बन जाएगा। अब कहानी आती है थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप को हम दो तरीके से करा सकते हैं, ठीक है,
थर्ड स्टेप को हम यहां पर दो तरीके से करा सकते हैं। अब यहां पर क्या है, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो यार यहां पर अपने पास ये N है, R है, डबल बॉन्ड हो है, NR है, या तो हमने करा दिया इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर ये OH माइनस जो होते हैं वो इस जगह पर अटैक करके, ठीक है, इसको निकाल देंगे, एंड यहां पर आपके पास OH, ठीक है, NR ये बन जाएगा, ये चीज आपके पास फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपके पास फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और फर्दर हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या मिल जाएगा आपको यहां पर, अल्टीमेटली थैलिक एसिड, ठीक है, और RNH2 ये आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहां पर अपन ने C लगा दिया था ना, तो यहां पर मैं C भी लगा देता हूं, जैसा अपन ने यहां पर एक प्राइमरी अमीन दिखाया था, प्राइमरी हैलाइड दिखाया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब ये हमारे पास C भी लगा दिया हमने यहां पर, ताकि अपने पास ये ध्यान रहे कि R के साथ एक C हम यूज कर रहे थे जो ओरिजिनल रिएक्शन में था, उसको हम यहां पर यूज कर लेंगे। ठीक है, यस। अब देखो ये जो अपने पास यहां पर RCNH2 मिला है ना, ये रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता, इज़न्ट इट, प्राइमरी अमीन ही मिल सकता है, बिकॉज जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप आ सकता है, दो नहीं आ सकते। ठीक है, एक ही आ सकता है, ना दो आ सकते हैं, ना तीन आ सकते हैं, एक ही हमारे पास यहां पर आ सकता है। ठीक है, यस। KOH की यहां पर बात कर रही है यार, KOH और K+ के बारे में जो है मैं बहुत बार बता चुका हूं क्लास में, K+ और Na+ ये स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, इनका रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई काम नहीं होता, ये बस सॉल्यूशन में पड़े रहते हैं आयन की तरह। K+ और Na+ के बारे में पूछो क्या हो रहा है, तो इट डजंट मैटर। ठीक है, वो किसी भी दूसरे एनायन के साथ अटैच होके आप बोल सकते हो कि यार वो दूसरा अपने पास कंपाउंड बन गया, तो Na+ और K+ का होना ना होना, रिएक्शन में लिखना ना लिखना, उससे कोई हमारे पास फर्क नहीं पड़ता, हम K+ या Na+ को किसी भी एनायन के साथ अटैच करके बोल देंगे कि यार ये प्रोडक्ट बन गया, KOH बना दो या KCl बना दो, है ना, कुछ बना सकते हैं। यस, चल आगे चलते हैं। अभी कह रही, एक बार अपने पास ये चीज बन गई, ये एक तरह का अपना मैकेनिज्म हो गया थर्ड स्टेप का, या फिर हमारे पास यहां पर जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजीन के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, जब हम इस कंपाउंड को हाइड्रोजीन के साथ हीट करते हैं तो भी हमें यहां पर ये RNH2 मिल जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है, इसको ध्यान रखना कि आप जो अपने पास हाइड्रोजीन है, ठीक है, हाइड्रोजीन इज अ मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अमीन। ठीक है, नाइट्रोजन पे जब ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम लगा होता है, जैसे NH2 या हमारे पास OH हो सकता है ना, हाइड्रोक्साइल अमीन ले लें, हाइड्रोजीन ले लें, यहां पर नाइट्रोजन पे अगर कोई और अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम मिल जाता है तो हम एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना में देखने को मिलता है कि यार वो और अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं देन सिंगल अमीन, सिंगल RNH2 लेके चलेंगे उससे ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसकी वजह से जब हम हाइड्रोजीन के साथ इसको हीट करते हैं, ठीक है जी, तो हमें क्या मिलता है यहां पर वापस से ये मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा कि यार ये हट जाएगा। और ध्यान से देखो इसमें जो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, उसमें हमें वो जो ये इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि ये अपने पास एक 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में बन जाता है।
ठीक है, ये हमें यहां पर देखने को मिलता है प्लस आर सी एन एच टू, ये हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ वहां निकल रहा था वैसे यहां पर भी निकल जाता है। ठीक है, चलो, तो ये जो हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग है और इस रिएक्शन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म का हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो स्टेप इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। तो कौन से यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेप है? यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेप जो है बच्चों वो आपके पास ये वाला है कि भाई यहां SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है और रिएक्शन जो है ये वाली, ये सिर्फ एक ही बार हो सकती है इस नाइट्रोजन के ऊपर, एक ही SN2 स्टेप से यहां पर नाइट्रोजन पे आके आपका एल्काइल चेन लग सकती है, एक से ज्यादा भी नहीं हो सकते और ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से भी नहीं हो सकती। एंड दैट्स व्हाई यहां पर ये दो जो आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैकेनिज्म के उसके ऊपर आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं? जैसे कि सपोज हमसे यहां पर ये पूछ लिया जाए, ठीक है, कि क्या हम, है ना, कैन वी फॉर्म ए PHNH2, ठीक है, क्या हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से एनिलिन बनवा सकते हैं? सपोज मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लूं, क्या गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम एनिलिन बनवा सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि नहीं बनवा सकते, क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन को करवाने जाएंगे तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस बेंजीन के ऊपर लगे हैलोजन के ऊपर अटैक करवाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बताया कि यार बेंजीन के ऊपर जो हैलोजन लगा रहता है उसके ऊपर SN2 अटैक नहीं हो सकता, तो आप इस रिएक्शन से ये नहीं प्रिपेयर कर सकते, एनिलिन आप यहां पर नहीं प्रिपेयर कर सकते। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, क्या हम इस रिएक्शन से गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से ये प्रिपेयर कर सकते हैं? तो वापस से आप देख लो, आपको एक 3 डिग्री हैलाइड के ऊपर यहां पर अटैक करवाना पड़ेगा SN2, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो भी यहां पर नहीं हो सकता, राइट? तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर ये स्टेप्स जो हैं वो इन एल्काइल चेन के ऊपर नहीं हो सकते, है ना। यहां पर अगर मैं ये लेके चलूं RX, है ना, अगर मेरे पास RX ये है तो इस पे SN2 रिएक्शन मेरी नहीं हो सकती। यहां पर मेरे पास RX कौन सा है? यहां पर मेरे पास RX होना चाहिए सी 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 एंड सी, ठीक है, X। यहां पर मेरे पास RX ये होना चाहिए, इस पे भी मेरे पास SN2 मैकेनिज्म नहीं हो सकता। तो ये अपने इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड पॉइंट हो गए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के। ठीक है जी, चलिए यहां पर जनरल चीज बता दो, यहां पर क्या क्या तुम्हारे पास, यहां पर क्या प्रोडक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा? ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो अपने पास ऑप्शंस के अंदर अमीन तो लिखा हुआ नहीं है, अपने पास कुछ और चीजें लिखी हुई हैं। इसका मतलब जो अपने पास थैलिक एनहाइड्राइड यहां पर थैलेमाइड था, तो थैलेमाइड से बनने वाला प्रोडक्ट पूछा जा रहा है अगर हाइड्रोजीन के थ्रू हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो है ना, अगर हम हाइड्रोजीन के थ्रू हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमें यहां पर क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए? ठीक है, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, ये अपने को यहां पर मिल जाएगा। बाकी जो है अपने पास HCl इस N पे फर्दर H लगाने के काम में आ जाएगा, दैट इज इट। यहां पर अपने पास ये अपने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, चल तो देखो ये अपने पास दो तरीके हो गए अमीन्स बनवाने के। इसके अलावा भी हम यहां पर एक फैमिली ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, और उस पे जाने से पहले कुछ मैं रिएक्शंस रिमाइंड करा देता हूं जो हमने पहले से कर रखी हैं अमीन्स प्रिपरेशन की, जैसे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, अमाइड्स, इमाइंस, ये बच्चों हमने पढ़ रखा है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स ये भी हमने पढ़ रखा है। ये सारी बेसिक रिएक्शंस होती हैं जिससे भी हम अमीन्स जो हैं वो बनवा सकते हैं, है ना। तो अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा फ्लो जो है समझ में आना चाहिए, जो अपने पास पहले की रिएक्शंस हैं, जो बाद की रिएक्शंस हैं, सारी रिएक्शंस आपको बीच बीच में यूज आती रहेंगी।
इसके अलावा जो हमारे पास एजाइड टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनके रिडक्शन से भी अमीन्स बन सकते हैं। एजाइड कंपाउंड क्या होते हैं इसको देख लो। एजाइड कंपाउंड होते हैं बच्चों हमारे पास आर एन थ्री टाइप के कंपाउंड्स, ठीक है, आर एन थ्री। एन थ्री ग्रुप जो है वो अपने पास एजाइड ग्रुप होता है, है ना। एजाइड ग्रुप को हम जनरली रिएक्शंस में स्टडी नहीं, हमने अभी तक नहीं करा, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो हमने एजाइड ग्रुप्स को यहां पर रिएक्शंस में स्टडी नहीं करा, बिकॉज ये अपने आप में थोड़ा अनस्टेबल ग्रुप होता है, ज्यादा वो कोई काम का नहीं होता। बट यस, इससे रिलेटेड दो चार रिएक्शंस हमें समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ज्यादा रिएक्शन जो है एजाइड से रिलेटेड हमें नहीं मिलती, ठीक है। चलो, तो आर एन थ्री बनता कैसे है? आर एन थ्री जो है वो बच्चों हमारे पास बन सकता है अगर हमारे पास कोई हैलाइड हो या कोई अच्छा लीविंग ग्रुप कार्बन की चेन पे लगा हो, उस पे एन एन थ्री डाला जाए, सोडियम एजाइड, ठीक है, सोडियम एजाइड ये अगर डाला जाए तो हमें क्या मिल जाता है यहां पर, यहां पर जो है हमें आर एन थ्री एजाइड ग्रुप जो है वो मिल जाता है। आर एन थ्री यहां पर आराम से बन जाएगा। रीजन बीइंग क्या, ये रिएक्शन के अंदर वापस से आप देख सकते हो क्या, जो अपने पास एजाइड आयन होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, है ना। किस तरीके से? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब ये यहां पर अटैक करेगा, एक्स को निकालेगा और हमारे पास एस एन टू मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हो जाएगी। वापस से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एस एन टू मैकेनिज्म है, ठीक है, क्या है अपने पास एस एन टू मैकेनिज्म है, है ना। एस एन टू मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हमारे पास होगी। आर एन थ्री ये हमारे पास एक बार बन गया, इसका अगर हम रिडक्शन करा देते हैं एल आई ए एल एच फोर से, ठीक है, अगर हम यहां पर रिडक्शन कराते हैं तो जो इसका रिडक्शन बहुत आसान से हो जाता है। जो अपने पास सोडियम एजाइड होते हैं, जैसा मैंने बताया क्या ये रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, अनस्टेबल होते हैं थोड़े। क्यों अनस्टेबल होते हैं ध्यान से देख लो, बिकॉज बच्चों यहां पर आपके पास एन टू जो है ना, एन टू दो नाइट्रोजन जिसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, एन टू यहां पर एक लिविंग ग्रुप आपका बन सकता है। यहां पर लिविंग ग्रुप क्या बन सकता है? एन टू बन सकता है। एन टू एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको हम बार बार देखते हैं। एन टू एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, कहां पर देखते हैं? डाइजोनियम कंपाउंड जब भी हम बात करते हैं तब हम डिस्कस करते हैं कि यार एन टू एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इस केस में भी क्या होता है अपने पास, यहां पर ये जो तीन तीन नाइट्रोजन है, इन तीन नाइट्रोजन में से दो नाइट्रोजन एन टू बन के निकल जाते हैं और जो अपने पास एल एल एच फोर होता है, ठीक है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है आर एन एच टू के अंदर और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स यहां पर मिल जाते हैं। सो एजाइड्स को रिड्यूस करना ये हमारे पास एल एल एच फोर से बहुत आसानी से हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि एजाइड्स को भी रिड्यूस करके हमारे पास क्या बनवाए जा सकते हैं, अमीन्स बनवा सकते हैं, ठीक है जी। यस, चलिए, जैसे यहां पर बताइए यहां पर बच्चों क्या होगा आपके पास, है ना। सो सबसे पहले हमारी रिएक्शन है, एक एल्काइल ब्रोमाइड हमने लिया, ये टू डिग्री ब्रोमाइड है, टू डिग्री पे हमारे पास SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हुई, ये हमारे पास बना, इस पे हमने डाला LiLH4, LiLH4 के बाद जनरली आपका प्रोटोनेशन होता है तो प्रोटोनेशन के बाद हमने H2O भी डाल दिया, तो इससे क्या बनेगा हमारे, इससे हमारे पास ये जो है कंपाउंड बन जाना चाहिए, ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, N2 हमारे पास निकल जाएगी। यस, ठीक है जी, चलो ये तो हमने देख लिया। हाँ, तो देखो अभी तक जो हमने रिएक्शंस देख रखी हैं, है ना, उसका हमने डिस्कशन करा और थोड़ा बहुत एजाइड के बारे में हमने यहां पर रिवाइज करा। अब हमारे बच्चों यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, विच इज दी हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस फॉर अमीन्स। ये रिएक्शन ऑलरेडी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे, जब हम अमाइड्स ग्रुप की बात कर रहे थे, तब मैंने ऑलरेडी एक बार बता रखी है क्या हॉफमैन ब्रोमाइड नाम की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में हम अमाइड्स को लेके चलते हैं, अमाइड से हम यहां पर अमीन्स बनवा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो यूज होता है रिएजेंट वो होता है Br2 या Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस,
और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका एक वन डिग्री अमीन जो यहां पर क्रिएट होता है उसके साथ CO2 बनता है। ये जो आपके पास यहां पर कार्बन चेन होती है ना, इसका जो C डबल बॉन्ड O है वो अपने पास CO2 के फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है अपने पास यहां पर CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस की क्या है कि आपको जो अमीन मिलेगा उसमें कार्बन चेन में से एक कार्बन कम होके मिलेगा। जो आपके पास कार्बन चेन है उसमें आप अमाइड का जो कार्बन है उसको भी काउंट करते हो, वो कार्बन निकल जाता है और जो बाकी की आपकी चेन है वो नाइट्रोजन के साथ NH2 फॉर्म में आ जाती है। ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है बच्चों हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। इसमें आपके पास हैलोजन जो होता है वो Cl और Br हो सकता है, बेस के प्रेजेंस में आप Cl2 या Br2 यूज करते हो और यहां पर इसको जो है प्रोड्यूस करते हो। मैकेनिज्म की अब हम यहां पर डिस्कशन करेंगे, ये रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस रिएक्शन में मैकेनिज्म की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म हमारे पास निकल के आता है। इस मैकेनिज्म में जो हमारे पास अमाइड्स होते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास RCONH2 ये है। अब अमाइड्स के बारे में जो हमने वापस से एक वही प्रॉपर्टी जो है रिवाइज करनी है जो थोड़ी देर पहले मैंने इमाइड के बारे में बोली थी। अगर आपको याद हो हमने जो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करा, उसमें भी हम बेस का यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है बेस डालना, यहां पर भी हम बेस यूज करते हैं एंड द रीजन विल बी सेम कि भाई ये जो अपने पास नाइट्रोजन पे लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं इन अमाइड्स एंड इमाइड्स, अमाइड और इमाइड दोनों के अंदर नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है वो एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो अपने पास यहां पर कॉन्जुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज मिलता है एंड दैट्स व्हाई हमारे पास ये जो होते हैं क्या होते हैं, एक इसकी तरह काम कर सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम कर सकते हैं। तो अपना जो फर्स्ट स्टेप है, चाहे हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की बात करें चाहे हम हॉफमैन ब्रोमाइड की बात करें, अपने पास सेम ही स्टेप निकल के आता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास यहां पर फर्स्ट स्टेप। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेकंड स्टेप अपने पास क्या होने वाला है। सेकंड स्टेप जो है वो हो जाता है इस हैलोजन की वजह से यहां पर हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर क्या है हमारे पास कोई भी एक्स है, ठीक है, सपोज जैसे मैंने बी आर ले रखा है तो ये नाइट्रोजन इस बी आर पर अटैक करके क्या हमें देता है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर सी ओ एन एच बी आर ये हमारे पास बच्चों बन जाता है। एंड अब आप देख सकते हो क्या इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमाइड क्यों है, बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर ये इंटरमीडिएट आपका प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन, मतलब जो अपने पास अमाइड है अमाइड के नाइट्रोजन पे लगा हुआ ब्रोमीन, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको एक जनरल टर्म में हमने बोल दिया ब्रोमामाइड। ब्रोम मतलब ब्रोमीन, अमाइड मतलब CONH, CONH पे लगा हुआ ब्रोमीन, दैट इज योर ब्रोमामाइड कंपाउंड। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, यहां पर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है ना, इसको हम यहां पर बोल सकते हैं ये अपने पास ब्रोमामाइड बन गया। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो सेकेंड स्टेप इस रिएक्शन का है वो आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और उस स्टेप को हमें यहां पर एक कंसर्टेड मैकेनिज्म के फॉर्म में समझना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हमारे पास यहां पर सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप बनाने के लिए इस कंपाउंड को मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूं, ब्रोमामाइड है, ठीक है, ब्रोमामाइड अपने पास, उसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसमें, ठीक है, एन H and Br, ठीक है जी। सेकेंड स्टेप में हमारे पास यहां पर वापस से बच्चों क्या आता है, वापस से बेस अटैक करता है। अब बेस जब यहां पर अटैक करेगा आपको पता है इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है जी, इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक होके यहां पर नाइट्रोजन पे क्या आने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होने लगते हैं। बट साइमल्टेनियसली अगर हम देखें तो यार यहां पर होता क्या है
ये जो BR है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके वापस निकलना चाहता है, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं बच्चों यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे किसी हेलोजन का लगा होना, वो कंपाउंड थोड़ा रिएक्टिव होता है। जैसे ऑक्सीजन पे अगर मैंने BR लगा दिया या ऑक्सीजन पे Cl लगा दिया, तो ये हमें पता है कि ऑक्सीजन पे Cl लगा हुआ है ना या ऑक्सीजन पे BR लगा हुआ, ये भी अनस्टेबल होते हैं, ये भी रिएक्टिव हमारे पास स्पीशीज होती हैं। ये हमने कहां पर देखा हुआ है, जैसे जब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की तो OCl- वहां पर होता है, या फिर हम बात करते हैं ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन की तो OBr वहां पर होता है, तो वो रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे लगा हुआ हैलोजन एटम ये रिएक्टिव होता है और जनरली ये क्या चाहता है, ये अपना बॉन्ड ब्रेक करना चाहता है। एंड दैट्स व्हाई यहां पर जब इस हाइड्रोजन का अटैक, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का अटैक होता है, यहां के इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों कहां शिफ्ट होते हैं, वो इस साइड शिफ्ट होते हैं, ठीक है। BR जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाने की कोशिश यहां पर करता है, और उस प्रोसेस के अंदर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, इससे इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाता है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उससे अगर इलेक्ट्रॉन खींच के जाता है, तो ये चीज हमने क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड में भी देखी थी, हमने जो है इसको और दूसरी रिएक्शन में भी देखा हुआ है, जैसे हमने यहां पर हाइड्रोबोरेशन के अंदर भी देखा हुआ है कि आपके पास ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे से कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेके ऐसे निकल रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास ये जो R है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O से नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा या उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस मैकेनिज्म का, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो अपने पास BR है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है यहां पर, अलॉन्ग विद दैट साइमल्टेनियसली ये R ग्रुप यहां पर ट्रांसफर होता है, और इस प्रोसेस के अंदर आपके पास ये जो OH- है H को हटा के N और C के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। ये जो मैकेनिज्म का स्टेप है ये यहां पर RDS बन जाता है, ठीक है, ये अपने पास यहां पर RDS बन जाता है कि भाई जो आपका R ग्रुप का यहां पर ट्रांसफर है या रीअरेंजमेंट है, वो आपका RDS की तरह काम करता है। जितनी फास्टर ये रिएक्शन हो जाएगी उतना आराम से आपकी पूरी पूरी रिएक्शन जो है वो हो जाएगी, ठीक है, यस। सो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर यहां पर मल्टीपल स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये जो है अपना एक कॉम्प्लिकेटेड सा मैकेनिज्म हो जाता है, मल्टीपल चीजें यहां पर मूव कर रही हैं। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमें क्या मिलता है फाइनली, ध्यान से देखो, जो अपने पास C डबल बॉन्ड है वो एज इट इज है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड एन आ गया, और नाइट्रोजन पे R हमारे पास आ गया, ये इस कंपाउंड में एक इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है। अगर बात करी जाए इंटरमीडिएट्स की, तो इस रिएक्शन में ये सेकेंड इंटरमीडिएट क्रिएट होता है। पहला इंटरमीडिएट होता है आपके पास ब्रोमामाइड, दूसरा इंटरमीडिएट ये आपके सामने क्रिएट होता है, और अगर इसको मैं ढंग से बनाता हूं तो देखो यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे आना चाहिए, ये कार्बन क्योंकि अब sp हाइब्रिड हो गया है, sp हाइब्रिड का मतलब अपने पास एक क्या है लीनियर कंपाउंड होना चाहिए। इस कंपाउंड को बोला जाता है बच्चों हमारे पास आइसोसाइनेट, ठीक है, इस कंपाउंड को आइसोसाइनेट बोला जाता है, ठीक है। ये जो आइसोसाइनेट कंपाउंड हमारे पास होता है, नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर हम देखेंगे, इसके ऊपर अब क्या आता है, इसके ऊपर H2O आता है, H2O ये जो अपने पास कार्बन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके ऊपर दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, इसके ऊपर अटैक करता है क्योंकि हमारे पास H2O भी प्रेजेंट होता है यहां पर, एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन होती है, H2O यहां पर आता है, इसके ऊपर अटैक करता है, एंड ये वाला जो अपने पास बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, दिस गिव्स अस COH2+ डबल बॉन्ड O एंड R नेगेटिव, प्रोटोन ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है, प्रोटोन ट्रांसफर से N पे H आ जाता है, R COH डबल बॉन्ड O ये हमें यहां पर मिल जाता है,
Now again, this compound is an unstable compound. ये further heat करने पर क्या करता है, ये further heat करने पर बच्चों हमारे पास breakdown हो जाता है, decarboxylation reaction show करता है, और decarboxylation reaction में आपके पास CO2 मिल जाता है plus RNH2 आपको यहां पर मिल जाता है। ये इस reaction का पूरा पूरा mechanism हमारे सामने आया, ठीक है। ये हमें इस reaction के अंदर पूरा पूरा mechanism जो है वो देखने को मिलता है। इस रिएक्शन के अंदर दो टाइप के इंटरमीडिएट हमें यहां पर मिलते हैं, ये दोनों हमें ध्यान रखने हैं। पहला इंटरमीडिएट होता है नाइट्रोजन पे बीआर आके लगना, ब्रोमामाइड बनना। ब्रोमामाइड फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ बेस आपका क्या देता है, आपका यहां पर आइसोसाइनेट देता है। ये रिएक्शन स्टेप यहां पर आरडीएस बन जाता है, और आरडीएस में आपके पास फर्दर जो प्रोडक्ट बना है उस पर एच टू ओ के अटैक से हीट करने से सीओ टू प्लस आरएनएच टू ये हमें मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो अपने पास ओरिजिनल कार्बन था यहां पर प्रेजेंट, ये कार्बन कहां चला गया, CO2 के फॉर्म में चला गया, बिकॉज ये क्या बना, इस फॉर्म में आया था और ये अपने पास बाहर निकल जाता है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सी हमें यहां पर देखने को मिलती है लास्ट स्टेप में, जब आइसोसाइनेट वाटर की प्रेजेंस में पड़ा होता है तब, ठीक है जी। ये बात समझ में आती, चलिए चलो यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं हम यहां पर, ठीक है। यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बच्चों हमारे पास चार रिएक्शन गिवन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सी रिएक्शन हमारे पास प्राइमरी अमीन नहीं बनाएगी, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो मैंने दे रखी है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन भी मैं वर्ड कभी कभी यूज कर सकता हूं, बिकॉज तुम देख रहे हो कि जो अपने पास हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है उसमें कार्बन की चेन डिग्रेड हुई है, डिग्रेड का मतलब उसमें से एक कार्बन खत्म हुआ है, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के आगे कभी कभी डिग्रेडेशन वर्ड भी मैं यूज कर लूंगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है जी। अब यहां से देखिए, यहां पर अपने पास सीएच थ्री सीओ एन एच टू है, ये अपने पास जैसे आर ग्रुप है उसकी तरह है, ये है अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। रिएक्शन में क्या होना चाहिए, R जो है वो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा, ये जो बीच वाला कार्बन है CO2 बन के निकल जाएगा, दैट्स व्हाई यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बच्चों बन जाएगा CH3NH2 प्लस CO2, यस। तो यहां पर क्या प्राइमरी अमीन है, जब मेरे पास प्राइमरी अमीन है, अगर हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप का हम रिडक्शन कराते हैं तो हमने अभी अभी देखा था कि नाइट्राइल ग्रुप के रिडक्शन से भी हमें अमीन्स मिलते हैं, तो यस LiLH4 से हमें यहां पर अमीन जो है वो मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस प्राइमरी अमीन, यस दिस इज प्राइमरी अमीन। इस नाइट्रोजन पे सिर्फ अपने पास क्या है, एक कार्बन की चेन लगी हुई है। अगर हमारे पास आइसो नाइट्राइल होता है इसका LiLH4 से रिडक्शन कराएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें फिर यहां पर 2 डिग्री अमीन देखने को मिलेगा, 1 डिग्री अमीन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये अपने पास यहां पर गलत रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन अमाइड्स का LiLH4 के साथ रिडक्शन, दिस गिव्स अस व्हाट, दिस अगेन गिव्स अस प्राइमरी अमीन, है ना। ये रिएक्शन के अंदर हमारे पास चीजें हमें इस तरीके से समझ में आनी चाहिए। चलिए, प्रोपियोनामाइड ऑन हॉफमैन डिग्रेडेशन, ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन लिख दिया यहां पर, ब्रोमामाइड नहीं लिखा, तो समझ में आ जाना चाहिए कि डिग्रेडेशन रिएक्शन कौन सी होती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड वाली डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, उसमें कार्बन की चेन में से एक कार्बन कम हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज प्रोपियोनामाइड ऑन हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या देगा, मिथाइलमीन, इथाइलमीन, प्रोपाइलमीन या इथाइल साइनाइड, जल्दी से इसमें आंसर बताइए क्या होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोपियोनामाइड की, तो प्रॉप वर्ड हमें दे रखा है, ठीक है, प्रॉप वर्ड मतलब तीन कार्बन यहां पर होने चाहिए कार्बन की चेन के अंदर, और ये हमारे पास CO NH2 ये हो जाएगा, दिस इज द प्रोपियोनामाइड।
इसका हम करा रहे हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन Br2KOH हम यहां पर लेके चल रहे हैं। हीट हमने करा है, ये जो अपने पास NH2 है इस कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड यहां पर CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है जी, दिस इज द हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चले अच्छा, यहां पर एक जनरल क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या होना चाहिए आंसर, यहां पर आपको डी और ई बताने बच्चों। यहां पर आपसे पूछा गया है कि अगर CH3COH है, ठीक है, और यहां पर डाला गया है LiLH4PbR3, उसके बाद ए बना, उसके बाद डाला KCN LiLH4, बी बना, बी पे CHCl3OH- डाला गया है, इससे सी बना, उसका हाइड्रोलिसिस किया गया, तो डी और ई बना। क्या आपके पास यहां पर डी और ई होने चाहिए? एक मल्टी स्टेप सिंथेसिस है, मल्टी स्टेप सिंथेसिस के अंदर आपको सारी रिएक्शन समझ में आनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर करना है क्या इसके ऊपर LiLH4 फिर PbR3 डाल के क्या होना चाहिए, फिर हमारे पास KCN डाला है और फिर LiLH4 डाला है। अब देखो थोड़ा बहुत यहां पर जो अपने पास रिएजेंट है वो हमें हिंट देते हुए चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर KCN के बाद LiLH4 डालना, तो KCN के डालने से जनरली हमें क्या मिलता है, CN-SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा होता है और LiLH4 जो है उससे बी जो बनेगा वो एक अमीन बनना चाहिए, इजंट इट। अमीन के ऊपर CHCl3OH- क्या देता है, और फिर उसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएं तो उससे क्या मिलता है, ये बस आपको यहां पर बताना है। ठीक है, चलो सो इस रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं। पहला है हमारे पास एसिड के ऊपर LiLH4 डालना और फिर PbR3 डालना, तो हमारे पास जो पहला रिएक्शन है बच्चों उससे क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हमारे पास यहां पर ये मिल जाना चाहिए अल्कोहल, बिकॉज किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम LiLH4 के साथ रिडक्शन कराएं एक्सिस के अंदर अल्कोहल हमें मिल जाता है, और सेकेंड स्टेप में PbR3 डालना अल्कोहल के ऊपर, ये हमें यहां पर क्या दे देता है, ब्रोमाइड इस तरीके से दे देगा। ठीक है, ये हो गए अपने पास सबसे जो फर्स्ट है उसमें ए प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, वो ये मिलना चाहिए। फिर हमें दिया हुआ है यहां पर KCN, है ना, फिर हमें यहां पर KCN डाल के दिया गया है। अगर हमारे पास ब्रोमाइड होता है उस पर KCN डालने से जैसा मैंने बोला SN2 सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो देखो SN2 सब्स्टिट्यूशन हमें यहां पर मिल जाएगा, और फिर अपने पास LiLH4 डाला गया है, इससे अपने को अमीन यहां पर मिल जाएगा, तो ये बच्चों अपने पास बी आ गया। फिर हमें बोला गया है CHCl3OH- डालना। ठीक है, अब अगर आप जानते हो कि यार किसी अमीन के ऊपर CHCl3OH- क्या देता है, ठीक है, तो ये देता है अपने पास बच्चों क्या चीज, ये देता है अपने पास आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या होता है अपने पास आइसोसाइनाइड यहां पर देता है, ये अपने पास क्या बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन जाएगा CHCl3OH-। ठीक है, अब यहां पर क्या किया गया है, अब यहां पर हाइड्रोलिसिस किया गया है, इसका मतलब यहां पर H3O+ डाला गया है, और इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस पे ये जो आइसोसाइनाइड है ये ब्रेक हो जाएगा, क्या हमें देगा यहां पर, ये हमें NH2 दे देगा प्लस हमारे पास HCOOH, ये हमें यहां पर मिल जाएगा, ये हमें यहां पर फाइनल प्रोडक्ट्स मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए क्या हमारे पास यहां पर रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, सो CCNH2। ठीक है, ये हमारे पास सी वाला आंसर आ जाएगा। यस, चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कुछ और भी यहां पर डिस्कशन है रिलेटेड टू आइसोसाइनेट, उसको भी हम कर लेते हैं। आइसोसाइनेट जो होता है हमारे पास, अभी मैंने तुम्हें जो दिखाया आइसोसाइनेट दैट इज आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर मैंने तुम्हें बोला क्या होगा, यहां पर अगर हम वाटर डालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यार यहां पर वाटर पे जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, इसका मतलब जो आइसोसाइनेट्स होते हैं बच्चों
उस पे जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है और जो अपने पास न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इस कार्बन पे आके जुड़ सकते हैं। ये चीज हमने देखी पहले वाले मैकेनिज्म के अंदर भी, और इसकी वजह से जो बनने वाला हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या है, इससे जो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली हो जाता है आर एन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। और हमने बोला यार ये अनस्टेबल होता है, इस पे बहुत आराम से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और डी कार्बोक्सिलेशन से हमें क्या मिलता है यहां पर आर एन एच टू प्लस सीओ टू, ये हमें मिलता है। बट अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आइसोसाइनेट दे दिया जाए और रिएक्शन कंडीशंस में एच टू ओ ना दिया हो, कुछ और दे दिया जाए, तब हमें ये समझ में आना चाहिए कि यार जो अपने पास आइसोसाइनेट है बच्चों वो दूसरे तरह की रिएक्शन भी शो कर सकता है। हॉफमैन ब्रोमाइड जब आपको दिया जाता है तो जनरली हॉफमैन ब्रोमाइड में आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एंड में डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे। पर अगर इन जनरल हम आइसोसाइनेट ग्रुप की बात करें तो हमें आइसोसाइनेट के बारे में इन जनरल पता होना चाहिए कि यार ये इस तरह की इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे सकता है। हो सकता है आपसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ना करवाएं, एक जनरल आइसोसाइनेट की रिएक्शन दे दें, ठीक है। यस अच्छा नाइट्रोजन, अरे हाँ यहां पर ये ऐसे मूव करता है, ठीक है वो मैंने गलत बना दिया था, ऑक्सीजन की साइड मूव करा दिया था, ये नाइट्रोजन की साइड मूव करके अपने पास हाइड्रोजन लगा देता है। अब यहां पर अगर बात करी जाए, है ना, यहां पर अगर बात करी जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हमारे पास आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ये दे रखा है, इसके ऊपर हम क्या डालें आर डैश एन एच टू, ठीक है, तो वापस से वैसा ही कुछ मैकेनिज्म करवाएंगे। कैसा मैकेनिज्म कराएंगे कि भाई जो अपने पास NH2 है, ठीक है, उससे यहां पर अटैक करवाएंगे और ये इस तरीके से मूव करवाएंगे। अब ध्यान से देखो जो अपने पास प्रोडक्ट बनने वाला है इस केस के अंदर वो ऊपर की तरह तो नहीं बन सकता, कुछ अलग ही चीज यहां पर बनेगी, ठीक है। क्या बनना है इसको देख लेते हैं, यहां पर अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड हमें मिल जाएगा। और आप देख सकते हो ये जो अपना कंपाउंड है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यूरिया की तरह है ना, इसको हम यूरिएट बोल सकते हैं। यूरिया जानते हो ना क्या होता है, CO C डबल बॉन्ड ओ NH2 NH2, है ना, तो यहां पर नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूटेड है, पर द बेसिक आइडिया इज यार ये यूरिएट अपना बन चुका है, ठीक है। फिर अगर हमारे पास यहां पर क्या हो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दे रखा है, उसके थ्रू भी हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहां पर करा सकते हैं। आइसोसाइनेट ग्रुप्स काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल से भी रिएक्ट कर देंगे। मैकेनिज्म वही होगा, मैकेनिज्म में देखोगे तो अपने पास फंडा वही रहेगा कि यार जो OH है इसका जो ऑक्सीजन है वो यहां पर आटे के अटैक करेगा और इसको यहां पर मूव करा देगा, गिविंग यू अल्टीमेटली व्हाट आर एन सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है जी, ये हमें यहां पर मिल जाता है। तो हमें ध्यान रखना बच्चों कि आइसोसाइनेट जो है हमारे पास अगर हमें जनरल दे दिया जाए तो ये आइसोसाइनेट पर्टिकुलरली हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है उसके अंदर देखते हैं। इससे पहले हमारे पास आइसोसाइनेट ग्रुप नहीं आया था कहीं पर भी, और अगर आइसोसाइनेट की जनरल रिएक्शन देखी जाए तो वो इस तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे सकता है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल जाके वहां पर कार्बन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जाके क्या हो जाएगा अपने पास ऐड हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन हमें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहां पर आइसोसाइनेट से रिलेटेड बच्चों रिएक्शन देखी है, अब मैं आपको यहां पर तीन रिएक्शन और दिखाऊंगा। ये तीन रिएक्शन जो हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड के साथ एक फैमिली ऑफ रिएक्शन बना देती है, ठीक है, जो हमारे पास
of men, bromamide रिएक्शन होती है, ठीक है, उसकी हम एक फैमिली देखते हैं। फैमिली का क्या मतलब है कि बिल्कुल हॉफमैन जैसी ही है ना, बिल्कुल अपने पास हॉफमैन जैसी ही रिएक्शंस हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड जैसी रिएक्शन। इंटरमीडिएट जो है वो आइसोसाइनेट बनता है और फाइनल प्रोडक्ट में अमीन हमें मिलता है। तो ये हम यहां पर अब तीन रिएक्शंस और देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे पास, कर्टियस है, लॉसन है, श्मिथ है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड फैमिली ऑफ रिएक्शन में। हॉफमैन ब्रोमामाइड हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करें बच्चों यहां पर कर्टियस रिएक्शन की या कर्टियस रीअरेंजमेंट की। क्यों इसको फैमिली ऑफ रिएक्शन बोला जा रहा है, हॉफमैन फैमिली, बिकॉज आप देख सकते हो यहां पर आइसोसाइनेट मिल रहा है, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट में आपको अमीन जो है वो मिल रहा है। बट यहां पर जो रिएक्टिंग स्टार्टिंग कंपाउंड है वो अमाइड नहीं है, है ना, यहां पर आपके पास अमाइड नहीं है, यहां पर आपके पास क्या है, इस तरीके से एजाइड ग्रुप जो है, ठीक है, कार्बोनाइल के साथ एजाइड ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बोनाइल के साथ एजाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो RCON3 हमारे पास होता है इसको सिर्फ हीट करा जाता है, इसको सिर्फ हम हीट करेंगे और यहां पर अपना आइसोसाइनेट बन जाता है, ठीक है, यहां पर हमें सिर्फ इसको हीट करने की जरूरत पड़ती है और अपने पास आइसोसाइनेट जो है वो बन जाता है। क्यों बन जाता है, बिकॉज अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहां पर बच्चों आपके पास क्या होगा, ये जो है एन प्लस है ना माइनस, यहां पर जब हीट करा जाएगा तो आप देख सकते हो वापस से अपने पास N2 निकलने के चांस हैं, है ना, एजाइड ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। एजाइड ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, एजाइड ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इसमें से N2 निकल जाए, ठीक है। जब यहां से N2 निकल रहा होगा हीट करने पर तो आप वापस से देख सकते हो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इस तरीके से अपने लोन पेयर देगा, R जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर रीअरेंज होगा, अल्टीमेटली यहां पर N2 निकलने के बाद, है ना, N2 निकलने के साथ हमें क्या मिलेगा, N2 निकलने के साथ हमें वापस से आइसोसाइनेट मिल जाता है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और आप वापस जानते हो कि अगर आइसोसाइनेट के ऊपर हम पानी डाल देते हैं, ठीक है, तो यहां पर RNH2 मिल जाता है। ये क्या हो गई, ये जो रीअरेंजमेंट है, दिस रीअरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड कर्टियस रीअरेंजमेंट। नाउ दिस रीअरेंजमेंट, इसके अंदर जो रीअरेंजमेंट का स्टेप है और जो अपने पास इंटरमीडिएट बना, इट इज एग्जैक्टली सेम एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। That's why इसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड फैमिली ऑफ रिएक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। ये अपने को यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, तुमसे ये भी पूछ सकता है, जैसे अगर हम यहां पर ये R है ना, अगर हम यहां पर बात करते हैं RCON3 प्रिपेयर कैसे होता है, तो RCON3 प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो सेम ही है। कभी भी आपको एजाइड ग्रुप कहीं पर लगाना है तो आप वहां पर क्या कर लो, SN2 मैकेनिज्म करवा लो। जैसे अगर मेरे पास एसाइल हैलाइड होते हैं, एसाइल हैलाइड बच्चों क्या करते हैं, बहुत आराम से SN2TH दे देते हैं। तो अगर आप सोडियम अमाइड यहां पर यूज कर रहे हो, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड के ऊपर सोडियम अमाइड यूज करा था, उससे SN2 कराया था, बिल्कुल उसी तरीके से एसाइल हैलाइड पे अगर आप सोडियम एसाइड डालते हैं तो आपको यहां पर क्या मिल जाता है, SN2TH मैकेनिज्म से RCON3 मिल जाता है ना। इसके बाद हम कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है जी। चल नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्या, नेक्स्ट है हमारे पास लॉसन रीअरेंजमेंट। लॉसन रीअरेंजमेंट अगेन कम्स अंडर द फैमिली ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड फैमिली, ठीक है। क्यों इसको हॉफमैन ब्रोमाइड फैमिली में अंदर रख रहा हूं मैं वापस से, बिकॉज इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट प्रोड्यूस होगा, उस पर पानी डाल के हम अमीन बनवा सकते हैं,
ठीक है जी। यस तो यहां पर जो बच्चों हमारे पास कंपाउंड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आर सी ओ एन एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। इसको क्या बोला जाता है, इसको हाइड्रोक्समेट एस्टर पर्टिकुलरली बोल दिया जाता है। इसे मतलब देखो आर सी ओ एन के ऊपर एस्टर ग्रुप लगा हुआ है ना, आर सी ओ एन एच के ऊपर एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज हाइड्रोक्समेट एस्टर ग्रुप। कहीं पर आपको हाइड्रोक्समेट एस्टर दिखे वहां पर बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या होता है, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में आइसोसाइनेट क्रिएट होता है, पानी डाल के अमीन प्लस CO2 बन सकता है। ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड लॉसन रीअरेंजमेंट। इसमें भी आप जानते हो क्या होना चाहिए, इसमें भी आपके पास हीट या बेस की प्रेजेंस में है ना, बेस की प्रेजेंस में जो अपने पास मैकेनिज्म है वो वैसे ही रहेगा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है, और ये आपके पास एक पूरा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। आप यहां पर बेस डालेंगे तो बेस डालने पे ये होगा, ठीक है, ये इस साइड मूव करेगा, ये आर जो है आपके पास यहां पर आ जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, गिविंग यू अल्टीमेटली व्हाट, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ प्लस आर डैश सी ओ ओ माइनस, ठीक है, आइसोसाइनेट यहां पर प्रिपेयर हो गया। वैसा ही कुछ मैकेनिज्म हो रहा है, नाइट्रोजन पे एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप हटता है, आर ग्रुप नाइट्रोजन पे शिफ्ट होता है, आइसोसाइनेट आपको मिल जाता है, वापस अपने पास सेम रिएक्शन देखने को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड लॉसन रीअरेंजमेंट। ठीक है, लॉसन रीअरेंजमेंट के बाद अपने पास फाइनली जो आता है दैट इज स्मिथ रीअरेंजमेंट। स्मिथ रीअरेंजमेंट में भी आपका वही इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन में अगर देखा जाए तो बच्चों आपके पास RCON3 ही होता है, बिल्कुल कर्टियस जैसे, बस इसको बनाया अलग तरीके से जाता है ना। जब हमने बात करी थी कर्टियस के अंदर, तो कर्टियस में हमने बोला था कि यार जो RCOCl है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर हम NaN3 डाल दें तो NaN3 डालने से RCON3 हमारे पास बन जाता है और ये हमारे पास रिएक्शन कर जाता है। स्मिथ के अंदर क्या होता है, हमारे पास स्मिथ के अंदर जो RCOOH है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है और HN3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये अपने को क्या दे देता है, वापस से RCON3 दे देता है और यहां पर इसको हम हीट करते हैं तो हमें पता है बिल्कुल कर्टियस के अंदर N2 निकलेगा, R ग्रुप N पे ट्रांसफर हो जाएगा, आइसोसाइनेट हमें यहां पर मिलेगा और आइसोसाइनेट पे वाटर डाल के हमें आर एन एच टू मिल जाता है। ये अपने पास नेक्स्ट स्मिथ रिएक्शन हो गई। ये भी किसके अंदर आएगी, ये भी हॉफमैन ब्रोमामाइड फैमिली के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चार रिएक्शन की एक परिवार हमने बना दिया। इन चारों रिएक्शन को आपको बस बेसिक फॉर्म में याद करना है क्योंकि यहां पर जो मेन चीज है वो रीअरेंजमेंट का स्टेप है। एक ऐसा नाइट्रोजन जो कि अमाइड का नाइट्रोजन है ना, अमाइड का नाइट्रोजन होता है CON टाइप का, उस पर एक लीविंग ग्रुप लगा होता है, इसको जब हीट किया जाता है तो नाइट्रोजन पे R ग्रुप आके लग जाता है, ये इन सारी रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है। ठीक जी, तो ये अपने पास फैमिली ऑफ रिएक्शन तो गई हॉफमैन ब्रोमाइड के साथ लॉसन कर्टियस स्मिथ रिएक्शन, ये भी हमने देख लिया। तो आज हमने बच्चों यहां पर प्रिपरेशन रिएक्शन देखी हैं अमीन्स की एंड फर्दर हम यहां पर और जो है इसके बात करेंगे, टेस्ट ऑफ अमीन्स की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की और बात करेंगे और ये आपका टाइमिंग है जिसके ऊपर रेगुलर क्लासेस होती हैं, इनको आप जरूर अटेंड करते रहिए और साथ ही आप यहां पर जो है पुराने सारे लेक्चर के लिए livedaily.me/je पे जा सकते हैं। अगर आप जो है लाइव क्लास एनवायरमेंट में पढ़ना चाहते हैं जिसमें आप कंटिन्यूसली हमसे इंटरेक्ट कर सकें, बातें कर सकें, ठीक है, अपने डाउट्स क्लियर कर सकें और जो है डिटेल समझ सकें किस तरीके से एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, तो लाइव क्लास एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहां पर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं ताकि आप अपना बेस्ट रिजल्ट लेके आ सकें। बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलता,
सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस से भी काम नहीं चलता, टीचर्स के साथ ये समझना कि क्या आपका बेस्ट तरीका हो सकता है क्वेश्चन का, इंटरैक्टिव वे में जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व करना, और साथ में रेगुलरली टेस्ट देना, ये सभी ऐसे फीचर्स होते हैं जो हर एक टॉपर को जो है फॉलो करने पड़ते हैं, और इन फीचर्स को, इन स्टेप्स को फॉलो करके अल्टीमेटली आपका जो है बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और फाइनल रिजल्ट आपका आता है। तो ये सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो बच्चों कि आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहां पर पढ़ाएंगे। अनअकैडमी जेई टीम की बात करें, कोटा की टॉप फैकल्टीज की बात करें, टॉप ऑथर्स ऑफ इंडिया, ये सभी यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं। एंड यहां पर बच्चों आप जो है कैसे सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं, आपको जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, प्लस सेक्शन पे जाना है, प्लस सेक्शन के बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन लेने का, और वहां पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहता है, इसके अंदर आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। एंड यू कैन यूज दिस कोड अनुपम लाइव वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन। अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन, तो बच्चों आपको अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में डिस्काउंट मिल जाता है, एंड साथ में आपको यहां पर जो है ये भी मुझे भी पता लग जाता है कि भाई आपको ये सारे लेक्चर जो है ले रहा हूं वो कितने पसंद आए हैं, कितना आपको केमिस्ट्री यहां पर समझ में आ रही है। तो बच्चों यहां पर ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें जैसा मैंने बताया आपको यहां पर इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं, सारे नोट्स भी आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, और रेगुलर लाइव टेस्ट आपके पास होते हैं, ठीक है। उसी के साथ अगर बच्चों आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पर्सनल मेंटर्स चाहते हैं, ऐसे मेंटर्स जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर सकें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए तैयारी के टाइम पे, क्या आपका स्टडी प्लानर होना चाहिए, कहां गलती कर रहे हैं, कैसे मार्क्स इंप्रूव करने हैं, ये सब अगर आप चाहते हैं तो वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाता है। एंड वापस से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 से 2 साल का आपका प्रिफर्ड है। अगेन यू कैन यूज दिस कोड अनुपम लाइव या अनुपम वाइट टेकिंग सब्सक्रिप्शन, आपको वहां पर सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट भी मिलेगा, मुझे पता लगेगा ये सारे क्लासेस कितने हेल्पफुल हैं, उससे मुझे भी खुशी होती है। 22 के लिए जो हमारे नए बैचेस है बच्चों वो लॉन्च हो गए हैं अक्टूबर में, आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहां पर लेके आए हैं। इन सभी रिजल्ट्स का आप यहां पर देख सकते हैं अनअकैडमी के टीचर्स का योगदान है। अगर आप यहां पर जो है स्कॉलरशिप चाहते हैं वाइल्ड टेकिंग सब्सक्रिप्शन, तो आपके लिए बच्चों यहां पर रेगुलरली स्कॉलरशिप एग्जाम भी होते हैं, हर संडे को 11 बजे स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, साथ में आपके यहां पर ये वाले टाइम पे भी स्कॉलरशिप एक चैंपियन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। साथ में ध्यान रखना यहां पर आपके आईआईटी जेईई प्रेप आप वापस से करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर अगर तैयार, तो आपको गाइडेंस की अगर जरूरत है किस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, क्या चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है, डाउट्स जो भी आपके दिमाग में, उनको आप पूछ सकते हैं 30 अक्टूबर को, एक काउंसलिंग सेशन होने वाला है, और इसके लिए एनरोल करने के लिए आप जो है अनअकैडमी की ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं। एंड यहां पर बच्चों आस्क अ डाउट सेशन भी अनअकैडमी का, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं आपको डाउट्स आते हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी डाउट क्लियरिंग चीज भी प्रोवाइड कर रही है, आस्क अ डाउट फीचर, इसमें बस आप यहां पर अपने जो है फोटो अपलोड कर दीजिए और आपको जो डाउट है वो क्लियर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम यहां पर इसको खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आप जो है बिल्कुल यहां पर इसको रिवाइज करके आइए, आगे का पार्ट हम फर्दर स्टडी करेंगे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि तुम्हारे ये वाले लेक्चर्स बिल्कुल मिस ना हो, फ्री बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आपको अनअकैडमी जेईई चैनल पर मिलती है, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।